कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं हूं जत्रु और मैं रमणी भौजी। आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है दीपावली यानी रोशनी का त्यौहार। तो यानी कि हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी किसान भाइयों का दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा झारखंड राज्य कृषि कार्य में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इसका सारा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो भी अपने सूचनाएं जो किसान भाइयों को देते हैं वो उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं और अपने कृषि कार्य में उपयोग भी करते हैं। क्यों जत्रु भाई, सही कहा ना मैंने? जी देखिए भौजी, कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, और हम अपने किसान भाइयों को दिखाते हैं कृषि समाचार। जी नमस्कार, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेस। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसानों को डीजल खरीद पर मिलेगा 50% अनुदान। आज जानेंगे नेत्रजन से होने वाले फायदे। ग्लैडुलस के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अमेरिकन ब्यूटी। और अब समाचार विस्तार से। सरकार पंप सेट वाले किसानों को डीजल की खरीद पर 50% अनुदान देगी। साथ ही कृषि विभाग 9000 पंप सेट का वितरण भी करेगा। इसके अलावा 35 करोड़ रुपए की लागत से 260 बड़े तालाबों का गहरीकरण भी किया जाएगा। इसी राशि से 500 चेक डैम का निर्माण किया जाएगा तथा 16 करोड़ की लागत से 149 प्रखंडों में कृषि उपकरण बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे खास स्थान है नेत्रजन का। नेत्रजन पौधों की वनस्पतिक वृद्धि में योगदान देता है। ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, साथ ही धान्य फसलों के दानों में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाता है। जबकि नेत्रजन की कमी से पौधों की पत्तियों का रंग पीला या हल्का हरा हो जाता है। दाने वाली फसलों में सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियाँ सूखने लगती हैं, उसके बाद ऊपर की पत्तियाँ भी सूख जाती हैं। नेत्रजन की कमी से वृक्षों पर फल पकने से पहले ही गिर जाते हैं। जैविक खाद, मिट्टी, कृषि उत्पाद और उपभोक्ता तीनों के सेहत के लिए फायदेमंद है। इसमें रासायनिक खाद की तरह कोई दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। आइए जैविक खाद से होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, रासायनिक खादों से जो आप हम खेती करते हैं तो उसके कई दुष्परिणाम होते हैं। इसमें उत्पादन तो हमें अधिक मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उत्पाद की गुणवत्ता होती है और उसका जो जो हमारे शारीरिक पर असर पड़ता है वो उतना फायदेमंद नहीं होता है जितनी हमारे जैविक उत्पाद से होती है। जैविक उत्पाद में हमारे क्या होती है कि उसमें हमारे जो फल जो हमारे जो भी हमारे उत्पाद आते हैं तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है और वो हमारे सेवन के लिए अच्छा होता है। इसमें कोई भी उसका हमें दुष्परिणाम नहीं मिलते हैं। और ख़ास करके जो हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिसका कि सेवन करने के बाद हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। और जहाँ तक कि हम अगर मिट्टी की संरचना की बात करें या हम इसके वातावरण से बात करें तो हमारी रासायनिक खाद कहीं ज़्यादा बेहतर है हमारे जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं या कृत्रिम खादों का इस्तेमाल से। तो किसान भाइयों, आज के समय में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैविक खादों के उपयोग से ही हम खेती करें, जो हमारी टिकाऊ कृषि के लिए भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी और हमारे सेहत के लिए भी हमारे लिए अच्छा रहता है। किसान भाई, बागवानी फसलों में ग्लैडुलस फूल की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ग्लैडुलस फूल के बेहतर उत्पादन के लिए ऐसे उन्नत प्रभेदों का चयन करें जो झारखंड के मौसम के अनुकूल हो और अच्छी उपज देने में भी सक्षम हो। ग्लैडुलस के किस्मों में जो मुख्य रूप से व्यावसायिक किस्में होती हैं, इसमें मुख्य रूप से आते हैं आपके अमेरिकन ब्यूटी या कैंडीमैन। पीले रंग का अगर फूल लेना है तो नोवालक्स अच्छी किस्म है, समर सनशाइन अच्छी किस्म है और आप देखेंगे कि जैक्सन विले गोल्ड भी एक अच्छी किस्म है। अगर आपको रानी पिंक कलर का जो ग्लैडुलस लेना है जिसकी डिमांड भी काफ़ी होती है तो कैंडीमैन और एट वंडर नाम की जो वैरायटी होती है ये भी काफ़ी उपयोगी होती है। सफ़ेद रंग के
ग्लैडुलस में आप देखेंगे वाइट प्रॉस्पेरिटी नामक जो किस्म है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो हमारी पुरानी जो किस्में हैं वो सब चली आ रही हैं और उन्हीं का डिमांड अभी तक बाज़ार में देखेंगे कि बना हुआ है। उसी तरह व्यवसायिक गेंदा की जब हम बात करें तो सिराकोल नामक जो गेंदा होता है या जिसे हज़ारा या लड्डू के नाम से भी जानते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जो कटिंग से लगती हैं। और साथ ही साथ अगर हम बीज वाले गेंदा की बात करें तो इसमें पूसा नारंगी और पूसा बसंती नामक दो किस्में होती हैं, ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं। ऑरेंज ड्रॉप और लेमन ड्रॉप ये भी गेंदा की अच्छी किस्म है जिसे व्यावसायिक रूप से किसान भाई अपना सकते हैं। जो किसान अपने खेत की पहली गहरी जुताई करना चाहते हैं वो इस काम के लिए मोल्ड बोर्ड हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा हल लगा होता है। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 दशमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में लगने वाले माहों और माइट कीट के रोकथाम के उपाय। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहों और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगता है। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडा क्लोरोपीड 17.5 दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। मंडी के भाव से लेकर मौसम के मिजाज के बारे में भी आपने जाना। तो किसान भाइयों, अब वक्त चला है एक छोटे से विराम का। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। तो जतरू भाई, आज हमारे इस अंक में आप हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं? आज तो हम अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए भौजी। अच्छा, ऐसी क्या है? बाकला की खेती और खेती से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के लिए ले आए हैं। तो ये जानकारी कौन दे रहे हैं जतरू भाई? विशेषज्ञ का नाम आप बता दे भौजी। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए हम किसान भाइयों आपको ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, जो आपको बाकला के बारे में विशेष जानकारी देंगे, जिनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर महतो। आज हम जानेंगे कि रवि फसल बाकला की समसामयिक खेती कैसे करें और देखभाल कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रशेखर महतो जी। अगर हमारे किसान को बाकला की खेती तो उसके लिए खेत की तैयारी ऐसा है किसान भाइयों, बाकला जिसको हम देहाती भाषा में साहब सेमी भी बोलते हैं,
ये झारखंड में ये रबी के मौसम में इनकी खेती प्रायः की जाती है और ये मुख्यतः सब्जी के फसल के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन इसका जो दाना बनता है उसे हम दाल के रूप में भी ले सकते हैं। तो दाल जब हम लेते हैं तो वो इस समय में लगाते हैं, और मुख्यतः जब सब्जी के फसल के लिए करते हैं वो थोड़ा देर से लगाते हैं, जैसे कि नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में। तो इसके लिए पहले मुख्य चीज़ है कि भूमि का चुनाव, ये सामान्यतः ताण वाली ज़मीन में करते हैं जिसमें अन्य दलहनी फसल लगाते हैं, और जल जमाव की स्थिति नहीं होना चाहिए और सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, तभी हम इसको लगा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ताण भूमि तो चुन लेते हैं जी, और अभी बारिश इस बार कम हुई है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई जब खेत की तैयारी करेंगे तो क्या विशेष सावधानी बरतें? ताण जब भूमि का चुनाव कर लेते हैं तब बारी आती है जुताई की, उसमें दो बार देसी हल से जुताई करने के बाद एक बार पाटा चला देने से भूमि लगाने के लिए उपयुक्त हो जाती है। इसके बाद हम लगाते हैं, इसका किस्मों का चुनाव करते हैं। किस्मों में इसका एक किस्म बहुत ही प्रचलित है, हम लोगों ने इसको किसानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए अनुशंसा भी की है। इसका नाम है विक्रांत, यह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मिल जाएगा इनका बीज, और किसान भाइयों को यही बीज लगाना चाहिए, इसमें भरपूर उपज होती है। ये लगभग सब्जी के रूप में ये 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसमें प्राप्त हो जाती है, और दाल भी इसमें अच्छा बन जाता है। तो इस किस्म का चुनाव कर लें, बीज का समुचित व्यवस्था कर लें, उसके बाद इनको खेत में जुताई करने के बाद पंक्तियों में लगाएं। पंक्तियों में लगाने से पहले, चूँकि ये एक दलहनी फसल है अतः इसमें रासायनिक खाद की कम आवश्यकता होती है, खासकर यूरिया की, तो हम चाहेंगे कि किसान भाई इसमें यूरिया की कम मात्रा दें और पोटास और फॉस्फेट की मात्रा अधिक दें, जिससे कि इसका जो फलियां होती हैं वो समुचित विकास हो सके। तो हम बार बार बात करते हैं कि सब्जी और दाल, तो ये दोनों चीज़ जो है मतलब हम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण अंग रही है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई अगर बृहद खेती करना चाहें तो दाल के लिए करें या सब्जी? जी, झारखंड में ये देखा गया है कि इसकी सब्जी के रूप में ज़्यादा प्रयोग होता है। इसकी सब्जी झारखंड के बाज़ारों में जो हाट देहात में हाट लगता है वो नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर में जनवरी तक आ जाता है बाज़ारों में, तो शुरुआत में इसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो हम चाहेंगे कि झारखंड के किसान इसका सब्जी के रूप में अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सब्जी यहाँ का किसान का पसंद है, और ये इसके जो खाने के रूप में प्रयोग में आता है यहाँ के किसानों के द्वारा, तो इसकी भी पूर्ति हो जाती है, तो सब्जी के रूप में लगवाना चाहेंगे इस फसल। ऐसे में हमारे किसान भाई जो खेती करना चाहते हैं बकला की, साहब सेम की, तो कुछ देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये फलीदार फसल है, इसमें कीट आते होंगे, उसके रोग भी होते होंगे, तो उनके रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्या? तो जैसे हम लगा देते हैं तो इसकी लगभग 40 दिनों में इसकी फूल आ जाते हैं, 40 से 50 दिनों में। उसके पहले हमको एक दो बार निकाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे जैसे जिसमें कि मिट्टी में वायु का आवाजाही बना रहे और फसल का जड़ों का विकास अच्छी तरह हो सके, जिससे कि फलियां उसमें भरपूर आए। इसकी फलियां पत्तियों के बीच से निकलती है और गुच्छों में निकलती हैं, तो इसकी जो फलियां हैं उसको समुचित बढ़वार मिले इसके लिए हम 2-3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप एक बार हम जुताई कर लेते हैं, उसके बाद जुताई करने के बाद जब हम सिंचाई करते हैं तो उसके बाद उसमें अंकुरण हो जाता है, तो अंकुरण के बाद में जब मिट्टी सूखने लग जाती है, क्योंकि ये रबी फसल है तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। इसके अलावा जब पौधा का विकास, फूल आने लग जाते हैं, उस समय कुछ बीमारियां इसमें देखा जाता है, जैसे पत्तियों में काले काले धब्बे हो जाते हैं, और उसके अलावा उसमें कुछ दीमक भी का भी प्रकोप होता है, तो दीमक से बचाव के लिए हम लोग डाइक्लोरफॉस देते हैं, जो ज़मीन के तैयार होने के समय ही देते हैं। इसके अलावा जो पत्तियों में काले काले हो जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, वो फफूंदी के कारण होते हैं, इसको काइटा हम लोग बोलते हैं इसको,
तो इसकी रोकथाम के लिए कोई भी उपयुक्त फफूंदी नाशक जो बाजार में उपलब्ध है, जो दलहनी फसल में यूज होता है, उसका हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। इसका अंतराल 20 से 25 दिनों के बीच में होना चाहिए। और यह फसल अगर हम दाल के रूप में लेते हैं, मतलब फलियां बनने के पकने तक, तो ये 130 दिनों में तैयार हो जाती हैं। लेकिन सब्जी के रूप में अगर हम इसको लेते हैं तो बीच बीच में इसका तोड़ाई करते रहते हैं, जैसे कि फलियां जब तैयार हो जाते हैं सब्जी के रूप में खाने लायक हो जाते हैं, तो उस समय 2-3 बार तोड़ाई करते हैं। तो तोड़ाई करने के तुरंत बाद 1-2 सिंचाई ज़रूर देना चाहिए, ताकि अगला जो बीज फलियां निकले वो उसमें भरपूर मात्रा में निकले। भाई, आपने देखा कि साहेब सेम की खेती अगर आप करते हैं और डॉक्टर साहब ने जो भी विधि बताई, जो भी उपाय बताएं, उसको करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा और बाज़ार भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कैसी लगी जानकारी? जानकारी बहुत ही उम्दा थी जतुर भाई, और हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से हमारे किसान भाई जो है अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। तो जतुर भाई, अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हम अपने किसान भाइयों को देंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। अच्छा भौजी, आज हमारे किसान भाइयों के लिए आपके पास दूसरी जानकारी क्या है? दूसरी जानकारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जतुर भाई। आज हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि सब्जी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी फसलों को प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। उसमें बहुत से ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जतुर भाई, जो हमारे फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको ले चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, जो आपको बताएंगे कि सब्जी फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का हम प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। जिसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर SK नायक। हमेशा की तरह कुछ नए विषय के साथ चर्चा करते हैं। आज का विषय हम आपके लिए बहुत ही खास लेके आए हैं, सब्जी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन। जी हाँ, इसके लिए विस्तृत और खास जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर SK नायक। हम बात करने जा रहे हैं कि सब्जी फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो हमें बताइए कौन कौन से पोषक तत्व हैं। जैसे किसान भाई, आप जानते हैं कि आप मुख्य पोषक तत्व आप जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, ये आप ज़्यादातर रासायनिक खाद से डालते हैं। लेकिन जो अन्य किस्म के जो पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये जो है आपका जो बोरन है, जिंक है, आयरन है, मैंगनीज, कॉपर, और ये जो है ज़्यादातर हमारा जो मार्केट में अवेलेबिलिटी के हिसाब से बहुत कम मात्रा में मिलता है। जैसे उसमें छोटा पैकेट में आता है, जैसे आपने रासायनिक खाद खरीदा होगा, जो बड़ा बड़ा जो पैकेट होता है, जैसे 50 kg का होता है, यूरिया का जो होता है, SSP होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, या DAP होता है, ये बड़ा बैग में मिलता है। लेकिन जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, आपको छोटा पैकेट में या 250 ग्राम से लेके आपका 2 kg, 1 kg के हिसाब से पैकेट से आपको ये मिलता है। तो हमारे किसान भाई को ये बताना चाहेंगे कि जो पोषक तत्व है, रासायनिक तत्व खाद है, इनका जो इस्तेमाल करते हैं, वो बाजार सही बाज़ार कहाँ पे है और कहाँ से ले? हाँ, इसका जो मार्केट है अभी हमारे रांची में अगर देखते हैं, तो ज़्यादातर हमारा धरती धन या उसका जो आसपास है प्रिया एग्री को, वहीं से आपको ये जो उसका खाद मिलेगा। और ये ज़्यादातर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है पौधा को, जैसे मैंने बताया कि उसमें कम मात्रा में चाहिए, और ये ज़्यादातर हमारा जो फल सब्जी सभी में इसका कम मात्रा में चाहिए। तो हम पहले हम सब्जी की बात करते हैं। अभी जो आप सब्जी उगाने वाले होंगे, उसमें टमाटर होंगे, फूलगोभी होगा, उसमें कैबेज होगा, और बाकी जितना भी है लतेदार सब्जी भी होगा, तो उसके लिए उसका अलग अलग मात्रा होता है। हम पहले अगर बात करते हैं कि बोरन का, जो बोरन है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, और उसका
कमी बहुत दिखाई देता है हमारा सब्जी में। जैसे आपने देखा होगा कि कोई फल फट जाता है, कोई फसल फल होता है, सब्जी का फल होता है, वो जब फट जाता है वो बोरन के कारण से होता है। और फूलगोभी में जब आप देखते हैं उसका फूल जो होता है जो छितर जाता है और उसमें धब्बा हो जाता है, काला काला जो धब्बा या ब्राउन टाइप का उसमें धब्बा आ जाता है, तो उसका कारण वही बोरन के चलते होता है। और दूसरी बात हो जाता है कि जैसे कोई फल जो भिंडी वगैरह होता है, अब भिंडी आप जो करते हैं भिंडी के में टेढ़ा हो जाता है, जो फल है जो उसका टेढ़ा हो जाता है, तो उसका कारण भी बोरन के चलते होता है। तो ये बोरन का मात्रा उसी हिसाब से हमको कम, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप खाद डालते हैं उससे ये हमको कम मात्रा में देना होगा। इसका जो डोज होता है, अगर हम जितना भी सब्जी है उसका सब्जी का अलग अलग बोरन का मात्रा है। जैसे कि पहले लेते हैं कि हमारा गोभी वर्गीय सब्जी, गोभी वर्गीय मतलब उसमें आएगा जितना आपका फूल गोभी, पत्ता गोभी होगा, उसके बाद ब्रोकोली होता है, उसके लिए हमको डालना होगा कि 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरिक एसिड डालना होगा, उसके साथ हमको 2.5 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट और उसके साथ 100 ग्राम यूरिया डालना होगा। ये जो तीन चीज़ मैंने बताया, 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरिक एसिड, 2.5 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट, 100 ग्राम यूरिया का घोल आपको बनाना होगा और इसको आप छिड़कना होगा आपका जितना भी है गोभी वर्गीय सब्जी में। और छिड़कने का जो अंतराल होगा आपको 10 दिन के अंतराल में आपको 3 बार इसको छिड़कना होगा, मतलब ये फूल धरने से पहले आपको ये काम करना होगा। 10 दिन के अंतराल में आपको 3 बार देना होगा, तो एक महीने में ये डोज हमारा कंप्लीट हो जाएगा फूल धरने से पहले। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जो सब्जी होता है, टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, मिर्ची हुआ, शिमला मिर्च हुआ, ये एक ग्रुप के लिए, मतलब लतेदार सब्जी और हमारा जो गोभी वर्गीय सब्जी को छोड़ के जो बाकी जितना भी वेजिटेबल है वो सेकेंड ग्रुप में आते हैं। उसके लिए आपको 20 लीटर पानी में 20 ग्राम बोरिक एसिड डालना होगा, 100 ग्राम यूरिया डालना होगा और इसको छिड़कना होगा 10 दिन के अंतराल में फूल धरने से पहले, 3 बार आपको ये छिड़कना होगा। तीसरा जो होता है हमारा लातेदार सब्जी, लातेदार सब्जी के लिए ये बहुत कम चाहिए, 20 लीटर पानी में हमको 1 ग्राम बोरिक एसिड चाहिए और 100 ग्राम यूरिया हम उसमें डालते हैं और घोल जो बनेगा उसको हमको छिड़कना होगा। जब बीज इसमें मिट्टी में डालते हैं, बीज जब उसका जर्मिनेशन हो जाता है, जर्मिनेशन 10 दिन के बाद से ही आपको इसको 3 बार इसको भी हमको छिड़कना होगा, स्प्रे करना होगा, फोलियर एप्लीकेशन करना होगा, 3 बार आपको करना होगा। उसके बाद फिर हम इसमें फूल जब आ जाता है तो इसका उसका जितना भी हमारा जो टेढ़ा हो जाता है, फल फटता है या फल का जो साइज छोटा हो जाता है, जो फल में जो स्वाद नहीं होता है, फिर ये स्प्रे करने के बाद आपका सही आ जाएगा, फल का साइज ठीक रहता है, जो स्वाद होता है वो भी उसमें बरकरार रहेगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि फूल आने से पहले ये छिड़काव 10 दिन के अंतराल में करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि जब फूल आ जाएंगे उस दौरान ये बहुत नाजुक स्थिति में रहती है, तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैंने बताया जब फूल जब आता है उस टाइम में कोई भी छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूल जो है नाजुक है, उस टाइम में कोई अगर स्प्रे करते हैं तो गिरने का ज़्यादा चांस होता है। तो उसके लिए हमको ध्यान देना होगा कि उस टाइम में आप छिड़काव मत कीजिए। और दूसरी बात हो गया कि और एक जो पोषक तत्व है जिंक का, जिंक के कमी से हमें बहुत ही जो फल का जो जो छितर जाता है, जो गोभी में जो फल छितर फूल छितर जाता है, या जो जो बैंगन में जब देखे होंगे पत्ता जब छोटा टाइप का हो जाता है, मतलब गुच्छेपन जो हो जाता है, और जिंक के कारण से होता है, तो जिंक हमको छिड़कना होगा। तो जिंक का जो मात्रा है 20 ग्राम जिंक सल्फेट 20 लीटर पानी में उसको घोल के आपको छिड़कना होगा, और ये जो है फूल धरने से पहले 2 बार इसको आपको करना होगा, 15 दिन के अंतराल में आपको 2 बार छिड़कना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि हमारा जो स्वाद वगैरह जो घटता है, ये मेन कारण होता है कि जिंक और बोरन की कमी से होता है। जितना भी हमारा अभी जो मिट्टी का है, अगर हम यहाँ झारखंड की बात करते हैं, जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है, और इस मिट्टी में बोरन का बहुत ही कम मात्रा में है, जिंक जो है मात्रा वो बहुत कम है, जिंक है हमारा मिट्टी में लेकिन पौधा नहीं ले पाता है, क्योंकि यहाँ अम्लीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी के चलते लोहा और जो मैंगनीज है वो ज़्यादा है, उसके चलते इसका घुलनशील जो जिंक का जो घुलनशील है वो घट जाता है। तो हमको इसलिए उसको फोलियर एप्लीकेशन हिसाब से हमको स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके उसमें पौधा में वो आएगा।
तो जैसे में होता है कि जितना भी सब्जी है उसका जो डोज है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जिंक सल्फेट डालना पड़ता है, 20 ग्राम 20 लीटर पानी में घोल के जो भी सब्जी होगा उसमें फूल धरने से पहले हमको ये छिड़कना होगा। और जिंक ऐसा चीज़ है कि आदमी के लिए भी, हमारे हेल्थ के लिए भी उसको चाहिए। जैसे बच्चा छोटा रहता है तो उसमें जिंक को भीड़ दिया जाता है, तो हमारा अगर फल सब्जी में अगर जिंक नहीं होगा तो हम फिर डिपेंडेंट होंगे कि हमारा जितना भी मेडिसिन है उसको लेना होगा। अगर हम इसको भरपूर मात्रा में देंगे, सब्जी देंगे, तो उसमें जिंक का मात्रा बढ़ेगा और उसमें हमारा जो है यील्ड भी अच्छा रहेगा, फल का साइज भी अच्छा रहेगा। विश्वास के साथ कि इन्हें बताए हुए नियमों का और सुझावों का आप इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से सब्जी फसलों की खेती आप कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जत्रु भाई, कैसी लगी जानकारी? जानकारी तो बहुत अच्छी थी भौजी। अगर आपके पास कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, या कोई भी ऐसी जानकारी है जो आपको ना समझ में आई हो, तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जत्रु भाई, पता बता दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। हम आशा करते हैं कि इस दीपावली आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही खुशहाली और रोशनी लेकर के आए। तो जाते जाते आप सभी किसान भाइयों का हमारी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जोहार, जोहार।